हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सो एक्साइटेड। ये मेरा फर्स्ट एवर व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो है, जिसमें मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, व्हाट एग्जैक्टली आई ईट इन द इंटायर डे। और अभी मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ, सो शी इज़ गोइंग टू कुक एंड आई एम शूटिंग एवरीथिंग। एंड लास्ट में मेरी मम्मी की स्पेशल राजमा रेसिपी है, सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग एवरीथिंग टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन व्हाट एग्जैक्टली आई डू। सो मॉर्निंग में आजकल मैं हर्बल टी से अपना दिन चालू कर रही हूँ। अगर आपने मेरा मॉर्निंग रूटीन का वीडियो देखा है, मैंने उसमें बताया था कि मैं सुबह उठते ही पहले घी लेती हूँ टू स्टार्ट माय डे। बट कुछ दिनों से मुझे गले में थोड़ी सी खराश हो रही थी, तो इसीलिए मैं ये हर्बल टी पी रही हूँ। आई डोंट प्रेफर ग्रीन टी, दिस इज़ हर्बल टी विच हैज़ अ लॉट ऑफ हर्ब्स इन दैट, एंड उसके साथ मैंने थोड़ा सा टर्मरिक डाला है ताकि गले में थोड़ी सी जो खराश है वो बेटर हो। और साथ ही मैं उसके खाती हूँ थोड़े से नट्स, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट योर डे विथ सम हेल्दी फैट्स। इसी वजह से थोड़े से भीगे हुए बादाम मैं ज़रूर खाती हूँ मॉर्निंग में। और मैं इन्जॉय करती हूँ इन सब चीज़ों को खाना सिटिंग नियर माई विंडो, बिकॉज पैंडमिक का टाइम है, लॉकडाउन है, बहुत ही अकेलापन सा लगता है, बोरियत लगती है पूरे दिन घर में एक ही जगह बैठे रहने से। इसीलिए मॉर्निंग का समय एक ऐसा समय है जहाँ पर खिड़की के पास बैठ के चाय पीना मुझे बहुत बहुत पसंद आता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? सो प्लीज़ राइट टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। सो आज मेरी मम्मी ने बनाया है ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ मेरे लिए आलू के पराठे विद दही एंड चटनी। उसके लिए मम्मी ने एक मैश्ड बॉइल्ड आलू लिया है, जिसके अंदर उन्होंने डाला है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कसूरी मेथी, आमचूर पाउडर और चाट मसाला, फिर डाला है कोरिएंडर और ग्रीन चिली, और इसको सबको मिक्स करके एक पिट्ठी बना ली। तब तक मम्मी एक गैस पे तवा को गर्म करने रख रही है, और जो गूंदा हुआ आटा है उसको अभी रोल आउट करके मम्मी इसके अंदर अब उस पिट्ठी को स्टफिंग करेगी, जिसकी वजह से ये आलू का पराठा इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई एम श्योर एवरी वन लव्स आलू के पराठे। एंड वाई एम आई ईटिंग आलू का पराठा इज़ बिकॉज मैं अभी एक वेट गेन डाइट पे हूँ। येस, मेरा वज़न बहुत जल्दी कम हो जाता है, इसीलिए मुझे वेट गेन डाइट करनी है। सो मैं कार्ब्स थोड़ा ज़्यादा खा रही हूँ। वैसे मुझे ग्लूटेन सेंसिटिविटी नहीं है, एंड एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है लाइकेन प्लानस, बट लेकिन मुझे ग्लूटेन से कोई एलर्जी नहीं है। बट आई मेक श्योर कि मैं राइस ज़्यादा खाऊँ और ग्लूटेन थोड़ा कम खाऊँ। तो मॉर्निंग में एक पराठा ही मैंने खाया है, अदरवाइज आई मोस्टली प्रेफर राइस। सो इसीलिए एक बड़ा सा पराठा खा रही हूँ ताकि मुझे अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स मिले और मेरा वेट अच्छे से बढ़े। आई नो कि कुछ लोगों के लिए आलू का पराठा एक बहुत ज़्यादा ही हैवी मील हो जाता है, शायद वो लोग एक लंच या डिनर में खाते होंगे, बट हम नॉर्थ इंडियंस हैं, हम दिल्ली में रहे हैं हमेशा, सो इसीलिए हमारे लिए आलू का पराठा एक स्टेपल मान सकते हैं। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे जनरली खाए जाते हैं। क्या आप लोग भी इसी तरह से पराठे खाते हैं ब्रेकफास्ट में? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसको मैं लोड कर रही हूँ बहुत सारे घी के साथ, बिकॉज फैट्स आर हाई कैलोरी एंड वी नीड कैलोरीज टू इंक्रीज वेट, एंड ऑल्सो फैट से हमारे स्किन अच्छी होती है, बाल अच्छे होते हैं, एंड हार्मोनल बैलेंस भी होता है। इसीलिए आई मेक श्योर कि आई हैव गुड क्वान्टिटी ऑफ घी एवरी डे। मैंने ये भी बताया था आपको कि मैं सुबह उठते ही घी खाती हूँ, पर मैंने अभी खाना एम्प्टी स्टमक बंद कर दिया क्योंकि गले में खराश है, इसीलिए पराठे में इतना घी तो बनता ही है। सो द पराठा इज़ एब्सोल्युटली रेडी एंड इट इज़ लुकिंग सो डिलिशियस। उसको मम्मी ने दिया है फ्रेश दही के साथ, जो उन्होंने घर में बनाया था, विथ सम ग्रीन फ्रेश चटनी, एंड इट टेस्टेड यम। प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी, आई एम श्योर यू विल लव 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 दिस। And for mid meal, I always make sure that I am having one seasonal fruit, and that is advisable for everyone. In fact, चाहे आप weight gain हो या weight loss हो, आप mango खा सकते हैं, but कोई भी fruit को आप हमेशा एक healthy fats के साथ combine करिए ताकि आपका body fat ना बढ़े। मैं weight gain diet पर हूँ, पर मुझे muscles बढ़ाना है, fat नहीं, इसीलिए I am making sure that I am combining it with flaxseed so that I don't increase body fat. And उसके बाद ही मैं generally प्रोटीन शेक ले लेती हूँ, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन और मेरी डाइट में इतना प्रोटीन नहीं है। सो और मुझे बार बार हेयर फॉल की इश्यूज़ आने लगती हैं, सो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट कि एटलीस्ट 2 टेबल स्पून ऑफ गुड क्वालिटी वे प्रोटीन आई
इंक्लूड इन माई डेली डाइट, उससे मेरे बाल अच्छे रहते हैं, मेरी स्किन अच्छी रहती है एंड हार्मोनल बैलेंस भी रहता है. एंड आई डोंट ड्रिंक मिल्क, सो आई ऑलवेज कंबाइन इट विद वाटर बिकॉज मिल्क गिव्स मी एक्ने इश्यूज. सो दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज प्रेफर हैविंग इट इन वाटर ओनली. तो लंच के लिए मेरी मम्मी आज बना रही है पालक मसूर की दाल विद चावल. तो उसके लिए कुकिंग से पहले ही मेरी मम्मी ने जो मसूर की दाल है उसको भिगा के रख लिया था, और कुकिंग से पहले अगेन वापस से उसको 2 से 3 बार उन्होंने रिंस किया है पानी के साथ अच्छे से, ताकि जितने भी केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है जो वो लोग डालते हैं प्रिजर्व करने के लिए, वो सारे अच्छे से निकल जाए. एंड वंस इट इज़ वॉश प्रॉपरली, उसके बाद मेरी मम्मी ने डाला है उसमें पालक, फॉलोड बाय हल्दी एंड नमक, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके उसको प्रेशर कुक करने के लिए चढ़ा देना है फॉर एटलीस्ट 2 विसल्स. और जैसे ही 2 सीटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद ओपन करेंगे तो आपकी दाल एब्सोल्युटली कुक हो चुकी होगी. अब हम उसकी टेम्परिंग कर रहे हैं विद घी, उसमें डालेंगे अच्छी क्वांटिटी में हींग, जीरा, चिलीज एंड जिंजर एंड गार्लिक. उसको अच्छे से भुनना है जब तक वो अच्छे से ब्राउन ना हो जाए. ब्राउनिंग होने के बाद हम उसके अंदर डाल देंगे चिली पाउडर, क्योंकि चिली जल जाता है इसी वजह से उसको लास्ट में डालना है. हो सके तो गैस बंद करके भी डाल सकते हैं. एंड देन गिव इट अ गुड मिक्स इन द डायरेक्ट दाल इट्सेल्फ. जब वो मिक्स हो जाएगा तो उसको वापस से हम गैस पर चढ़ाएंगे एक बॉयल लाने के लिए, ताकि सारे भी स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं. जब अच्छे से बॉईल आ जाएगा, गैस बंद करने के बाद आप लेमन जूस डाल दीजिए, इट विल टेस्ट अमेजिंग. सो वंस दैट इज़ डन, जो हमारा राइस हमने बॉईल करके ऑलरेडी रखा हुआ था वो हम प्लेटिंग करेंगे. ऑन वन साइड वी आर एडिंग दाल एंड वन साइड वी आर एडिंग राइस. आई लव प्लेटिंग द फूड बिकॉज उससे खाने का और मन करता है. मुझे पता है हम सिंपल तरीके से भी खा सकते हैं, बट आई प्रेफर ईटिंग लाइक दिस बिकॉज आई लव गुड प्रेजेंटेशन ऑफ फूड. फिर उसको अच्छे से बीच में से सैलेड डाल के, कोरिएंडर डाल के उसको खाइए मिक्स करके, इट टेस्ट अमेजिंग. सो नेक्स्ट मील है मेरा इवनिंग स्नैक, एंड आई लव ईटिंग एनी स्प्राउटेड सैलेड और एनी पल सैलेड. सो आज मैंने लिया है राजमा सैलेड. राजमा को ऑलरेडी सुबह भिगा के रख दिया था और फिर उसको प्रेशर कुक करके बॉईल करके अब हम उसका सैलेड बनाने जा रहे हैं. उसके अंदर प्याज, टमाटर और जितने भी मसाले हैं आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं. मैं सिंपल ही प्रेफर करती हूँ, सो मैंने प्याज टमाटर ही डाला है विद कोरिएंडर एंड चिलीज एंड ऑल द मसालास गोइंग इनटू इट. एंड मैं ज़्यादातर पल्सेस इसलिए ज़्यादा खाती हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्रोटीन्स हमारे डाइट में बहुत कम होता है. सो आई मेक श्योर दैट आई एम ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ पल्सेस इन माई डाइट. एंड इसमें मैंने एडिशनली रॉ गार्लिक भी डाला है, रॉ गार्लिक क्रश करके डाला है विद सॉल्ट एंड पेपर एंड लेमन जूस एंड चाट मसाला ऑल्सो. सो इट गिव्स अ ग्रेट टेस्ट. एंड रॉ गार्लिक का मेन पर्पस ये है कि उससे गट बैक्टीरिया बढ़ता है एंड इट्स अ ग्रेट प्रीबायोटिक. जो लोगों को भी पेट में इश्यूज़ है, डाइजेशन की इश्यूज़ है, ब्लोटिंग इश्यूज़ है, उनके लिए रॉ गार्लिक या रॉ गार्लिक पाउडर इज़ अ ग्रेट सुपर फूड टू इम्प्रूव देयर गट हेल्थ. एंड स्पेशली विद अ फूड लाइक राजमा जो काफ़ी लोगों को गैस प्रॉब्लम करता है, हैवीनेस देता है, इसीलिए रॉ गार्लिक विल हेल्प देम इन अ बेटर वे. सो आई मेक श्योर दैट आई एम हैविंग सम पल्स सैलेड इन द इवनिंग बिकॉज ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है. मे बी बिकॉज आई एम अ नॉर्थ इंडियन, आई एम अ राजमा लवर, दैट इज़ वाई. एंड टू दैट एक्सटेंड ओनली हमारा डिनर जो है वो भी आज राजमा ही है. सो दिस इज़ अ शॉर्टकट बाय द वे. हमने डिनर में भी राजमा चावल ही बनाया है आज बिकॉज इतनी सारी चीज़ें वैरायटी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली इन लॉकडाउन जहाँ पे फुल फैमिली घर पे ही होती है एंड इतनी सारी चीज़ें बनाना इट बिकम्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट. सो वॉट आई डू जनरली लाइक दिस इज़ कि जो भी मैं पल्स इवनिंग में बनाती हूँ उसी का मैं सैलड इवनिंग में खा लेती हूँ, और डिनर में भी उसी की दाल बना के हम उसको चावल के साथ प्रेफर करते हैं. सो राजमा बनाने के लिए मेरी मम्मी ने वही राजमा एक्स्ट्रा जो सोक करके दिया था उसको
बे लीफ और सॉल्ट के साथ प्रेशर कुक कर दिया है, उसकी अब ग्रेवी बनाने जा रही है मेरी मम्मी, जिसके अंदर एक कढ़ाई के अंदर मेरी मम्मी ने अच्छी क्वांटिटी में घी लिया है. अगेन वाई घी? बिकॉज घी इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ कुकिंग, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है, इट हेल्प्स यू टू बर्न फैट ऑल्सो एंड इट्स नॉट एट ऑल हार्मफुल. फिर उसमें डाल दिया है थोड़ा सा हींग और जीरा, देन ऐड द चॉप्ड अनियंस. उसको अच्छे से भून लेंगे जब तक वो प्रॉपरली ब्राउन कलर का ना हो जाए. ब्राउन होने के बाद हम डालेंगे उसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट. फ्रेश जिंजर गार्लिक का टेस्ट हमेशा बेटर रहता है, सो प्लीज़ डोंट यूज़ एनीथिंग विच इज़ रेडीमेड. एंड वंस इट इज़ प्रॉपरली ब्राउन्ड, उसके बाद हम डालेंगे टमाटो प्योरी. टमाटो प्योरी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे. जनरली वो खटकता है ऊपर, उसके छींटे पड़ते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल. एंड मसालदानी में से जो भी हमारे कॉमन मसालेज है, दैट इज़ रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, ये सारे मसाले हमें डालने हैं. आप सोच रहे होंगे हम कितना मसालेदार खाना खाते हैं. बाय द वे हमारी फुल फैमिली के लिए बन रहा है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है द क्वान्टिटी इज़ अ लॉट, एंड फॉर दैट द मसाला इज़ नॉट दैट मच. दिस इज़ आर ग्रेवी विच इज़ रेडी. एंड जब तक ये रेडी हो रही है गैस पर, तब तक हमारा जो प्रेशर कुक वाला जो राजमा है वो ऑलरेडी बन चुका है. सो उसको ओपन करने के बाद जो भी बेलीफ है उसके अंदर से, उसको पहले हम निकाल देंगे, वरना खाने में वो बीच में अड़ता है, इसे यू हैव टू रिमूव दैट. बेलीफ निकालने के बाद जो भी हमारी ग्रेवी बन चुकी है, उसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे उस प्रेशर कुक्ड राजमा में. गिव इट अ गुड मिक्स एंड लेट इट कम टू अ बॉइल, ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से ब्लेंड होने लग जाए. जनरली मेरी मम्मी इसमें कसूरी मेथी भी डालती है, दैट्स अ हिडन इंग्रेडिएंट दैट शी सेज, जिससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है. अच्छे से बॉइल आने के बाद मेरी मम्मी उसको वापस से प्रेशर कुक लगाती है दो विसल्स तक, ताकि जितने ही मसाले हैं एक एक राजमा में अच्छे से अंदर ब्लेंड हो जाए, उसके अंदर सोख हो जाए. लास्ट में मम्मी डालती है हमेशा लेमन जूस, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं. एंड ऑलवेज गार्निश थिंग्स विद कोरिएंडर लीव्स, बिकॉज उससे और ज़्यादा टेस्ट इन्हांस होता है. देन वी हैव राजमा चावल, विच इज़ अगेन आर स्टेपल नॉर्थ इंडियन फूड. आई लव राजमा, मैं दिन रात खा सकती हूँ. सो दिस इज़ वॉट इज़ माई लव, एंड आई जनरली हैव टू कटोरीज और टू थ्री कटोरीज ऑफ राजमा फॉर माई डिनर. सो दिस वॉज माई वॉट आई ईट इन अ डे वीडियो, एंड रोज़ वो चीज़ चेंज होती रहती है. तो अगर आपको चाहिए मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाऊँ तो मुझे प्लीज़ बताइएगा. एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.